Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pen Gravity. इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल का एनालिसिस विद प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड टुडे इज 6th अप्रैल 2024. रमजान मुबारक सर आप सबको. बरकतों वाला महीना है. अल्लाह ताला आप सबकी जो नेक ख्वाहिशात हैं पूरी करे. ये रहा जो टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल्स और ओपिनियन वाला सेक्शन. इस लेक्चर के अंदर मैं डिस्कस करूंगा 1, 2, 3 ये तीन एडिटोरियल्स हैं जो कि इस लेक्चर के अंदर इनका मैं एनालिसिस करूंगा कंपिटेटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव में. बाकी रह गया ये वाला आपका ओपिनियन वाला सेक्शन. इसमें जो आपका फर्स्ट ओपिनियन है ये इकोनॉमी को कवर करेगा. सेकेंड वाला फिजिकल एजुकेशन एजुकेशन को कवर करेगा. एंड द थर्ड वन आपका जो है ये बेसिकली जो इंटरनल ह्यूमन सिक्योरिटी है आप उसके ऊपर डिस्कस कर रहा है. ठीक है कि ये कहता है कि आप लोग ज्यादा खर्च कर रहे हैं बॉर्डर सिक्योरिटी पर. आपको चाहिए कि आप इंटरनल जो ह्यूमन सिक्योरिटी है उसके ऊपर भी क्या करें इन्वेस्ट करें. एंड द फाइनल वन ये भी आपको इनडायरेक्टली इकोनॉमी के ऊपर ही लेकर जाएगा. और इसमें ये कह रहा है कि जो सेल है सेवरल लोकल ब्रांड्स की वो बढ़ती जा रही है बेहतर हो रही है. तो जो आपका ये ओपिनियन वाला सेक्शन है इसके लेक्चर्स रिकॉर्डेड आपको मिल जाएंगे जनवरी के फरवरी के और मार्च के. उसके लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करें और जो फोकल पर्सन है उससे आप रब्ता करें और आप वो लेक्चर सुन सकते हैं. ठीक है और उसके बाद आप खुद भी कोशिश करें कि इनको पढ़ने की ताकि आपके अंदर भी जो है वो क्रिएटिविटी पैदा हो. और ये सारे का सारे जो लेक्चर्स हैं एडिटोरियल्स वाले और ओपिनियन वाले ये आपको हेल्पफुल रहेंगे इन एरियाज में. जो नए बच्चे हैं उनके लिए बता देता हूँ जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं दे नो वेल. ये आपको खास तौर पर जो मेरा फोकस है ये इंग्लिश ऐसे में आपको हेल्प करेंगे बहुत ज़्यादा. बाकी तो करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर्स में भी करेंगे. सोशल साइंसेज के जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी काफ़ी एरियाज को ये कवर करेंगे. ये आपकी क्रिटिकल अप्रोच डेवलप करेंगे और आर्गूमेंट बिल्डिंग अप्रोच डेवलप करेंगे. और ये दोनों अप्रोचेज जो हैं ये आपको डायरेक्टली पूरे कंपिटेटिव एग्जाम्स में तो हेल्प करेगी ही लेकिन इंग्लिश ऐसे में खास तौर पर आपकी मदद करेगी. और आपको पता है कि कंपिटेटिव एग्जाम्स में स्पेशली सीएसएस के अंदर जो इंग्लिश ऐसे है ये एक सक्सेस डिफाइनिंग सब्जेक्ट है आपके लिए. तो इसके ऊपर हमारा जो है वो फोकस रहेगा. बाकी आपको पीडीएफ लिंक जो है टुडे डॉन न्यूज़पेपर का इस लेक्चर का वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. व्हाट्सएप चैनल का लिंक है आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं. चैप्टराइजेशन इसकी कर दी जाएगी. जो चैप्टर आप पहले सुनना चाहें सुन सकते हैं. तीन एडिटोरियल्स हैं तीन चैप्टर्स बन जाएंगे. कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं. छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए कि पंजाब की डिविजन्स कितनी हैं. आपने ये नंबर बताना है कि इतनी डिविजन है पंजाब की और कमेंट में आप लोगों ने अपना फीडबैक जरूर देना है. फर्स्ट जो आपका ओपिनियन है एडिटोरियल है वो है डेडली कैंपेन. अब इस पूरे के पूरे जो आपका एडिटोरियल लिखा गया है इसके अंदर जो राइटर का फोकस है वो कहाँ पर है. तो पहले तो इसका मैं आपके साथ क्रक्स जो है इस एडिटोरियल का डिस्कस कर देता हूँ. और उसके बाद जिस तरह हम करते हैं तीन फेजेस के अंदर पहले इसका क्रक्स बताया जाएगा फिर इसके अंदर जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो डिस्कस किए जाएंगे एंड फाइनली हम इसको टच करेंगे कि हमारे पेपर में भी कहीं इस्तेमाल हो सकते हैं ये डाटा ये नहीं हो सकता. अगर हो सकता है तो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है वो फिर मैं फाइनली आपके साथ डिस्कस कर दूंगा. तो पहले आ जाते हैं क्रक्स के ऊपर. क्रक्स में ये है बेसिकली ये कह रहा है डेडली जो कैंपेन है इससे मुराद है टेररिज्म. हो क्या रहा है कि जो इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज है ना वो बकायदा एक प्लान बनाकर पाकिस्तान के अंदर और कई दूसरी जो फॉरेन कंट्रीज है वहां पर टारगेट किलिंग कर रही हैं. कुछ मखसूस लोगों का मर्डर कर रही हैं कत्ल कर रही हैं. कौन इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है जैसे कि राह. ठीक हो गया तो इसको हम कह सकते हैं वो बेसिकली टेररिज्म फैला रही है. ठीक है अब बात आ जाती है कि वो किस किस का मर्डर कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं वो इसके अंदर हम डिबेट में डिस्कस करेंगे इस एडिटोरियल में. लेकिन अभी क्रक्स ये है कि इसके अंदर राइटर आपको ये बताना चाहता है कि जो इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है वो क्या कर रही है. पाकिस्तान के अंदर कुछ लोगों का उसने मर्डर किया है और पाकिस्तान से बाहर दूसरे मुल्क हैं उनके अंदर उनका कुछ मर्डर किया है कुछ लोगों का. और ये कौन कर रहा है इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी कर रही है. उसके फिर वो आपके साथ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी शेयर करेगा. ठीक हो गया और बेसिकली ये क्या है ये टारगेट किलिंग करना जब राय कर रही है तो वो क्या कर रही है टेररिज्म फैला रही है. तो
अब हम चलते हैं एडिटोरियल के अंदर। तो क्या कहता है, कहते हैं मिस्टीरियस किलिंग हुई है पाकिस्तान के अंदर, किसने करवाई है? इंडियन एजेंसीज ने, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने। अब किन लोगों को का मर्डर किया गया है? अब इसमें ये है, मैं आपको इसका पूरे का पूरा बता देता हूं कि ये इंटेलिजेंस एजेंसीज एक प्लान है जिसके ऊपर ये वर्किंग कर रहे हैं, और वो लोग इन्हों लोगों ने आइडेंटिफाई किए हुए हैं जो कि कश्मीर में या दुनिया के किसी कोने में मौजूद हैं, पाकिस्तान में, कश्मीर में या कहीं भी, और वो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए मसला है, या कह सकते हैं इंडिया में किसी किस्म का प्रोटेस्ट में शामिल हैं, इंडिया के किसी ऐसे इशू के ऊपर वो लोग जो हैं इंडिया के खिलाफ हैं, तो उन लोगों को ये चुन चुन कर उनका मर्डर कर रहे हैं। जैसे कश्मीर को लेकर, कश्मीर के अंदर जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं लेकिन कश्मीर की काज के लिए, कश्मीर के लिए वो एक्टिव हैं, उनका मर्डर कर रही है। इसी तरीके से हम आगे पढ़ेंगे कि कनाडा के अंदर एक सिख साहब है जिनका इन लोगों ने मर्डर कर दिया पिछले साल, जो कि खालिस्तान तहरीक जो है सिखों की, उसके अंदर बड़े एक्टिव थे। यानी कि दुनिया के किसी कोने में भी आप रहते हों, किसी ऐसे मामले में आप इन्वॉल्व हों जिससे क्या हो, इंडिया को प्रॉब्लम हो, तो इंडिया ने क्या किया है, एक प्लान बनाया है और उन लोगों को जो अब इन्वॉल्व हैं या पहले कभी इन्वॉल्व रहे हैं, रहे थे पास्ट में, माजी में, उनको भी नहीं छोड़ रहे, उनका भी मर्डर कर रहे हैं। और इसके ऊपर हमने डिस्कशन की थी कुछ अरसा पहले, एक जो थे पाकिस्तान के अंदर एक खतीब थे या कारी साहब थे, मुफ्ती साहब थे, उनका मर्डर कर दिया गया, और बाद में इंक्वायरी में ये पता चला कि वो जो थे आज से तकरीबन 8-10 साल पहले किसी ऐसे सेक्शन का हिस्सा थे जो कि कश्मीर के लिए वर्किंग कर रहा था या कश्मीर में ऑपरेट कर रहा था। तो जस्ट लाइक दिस दे हैव अ प्लान, ठीक है, और उस प्लान को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और उनका काम वो ये कर रहे हैं कि कोई इंसान जहां मर्जी दुनिया के कण कोने में रहता हो, अगर वो माजी में या अभी प्रेजेंट में किसी ऐसे प्लान का हिस्सा रहा है या रहा होगा था जिससे इंडिया को प्रॉब्लम है, इंडिया को मसला है, तो वो उसका मर्डर कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो अब ये क्या किया इंटेलिजेंस एजेंसी ने, कश्मीर सेंट्रिक आर्म ग्रुप था, ठीक है ना, तो उनके हिस्से थे ये लोग, उसमें शामिल थे, तो इनको उनको मार रहे हैं। गार्डियन ये कह रहा है रिपोर्ट 20 लोग जो हैं 2020 से लेकर अब तक 20 लोगों का मर्डर जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज कर चुकी हैं इंडिया पाकिस्तान के अंदर। अब जो इंडियन ऑफिसर्स हैं उन्होंने भी कंफर्म कर दिया है कि नई पॉलिसी आई है असैसिनेशन की, एनिमीज एंड डिस जो भी फॉरेन लैंड के अंदर मौजूद हैं, वही बातें जो मैंने आपके साथ की कि उनकी जमीन पर मौजूद हैं, किसी फॉरेन लैंड में मौजूद हैं, जो भी किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व हैं जिससे इंडिया को प्रॉब्लम है, उसका मर्डर किया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ नहीं हो रहा, कनाडा में भी हुआ है। हरदीप सिंह निजार, इनका मर्डर किया गया, खालिस्तान एक्टिविटीज थे, ठीक है, पिछले साल कनाडा में इनका मर्डर कर दिया गया। ये रहे जिसका मैंने अभी आपको बताया है, हरदीप सिंह साहब, इनका पिछले साल मर्डर कर दिया गया कनाडा के अंदर, ठीक है। खालिस्तान मूवमेंट में जस्ट लाइक दिस रेफरेंडम वगैरह करवा रहे हैं खालिस्तान के लिए, यानी कि एक्टिव थे। अब खालिस्तान आपको पता है पंजाब जो इंडिया का पंजाब है वो ये चाहता है कि आप लोग क्या कर दें, हमें फ्री कर दें, वो एक अलहदा रियासत चाहते हैं। तो जस्ट लाइक दिस इट इज कॉल्ड खालिस्तान। इस खालिस्तान मूवमेंट को ये हेड जो थे क्या कर रहे थे, लीड कर रहे थे, कनाडा के ये सिटीजन थे, तो इनका वहां पर मर्डर कर दिया गया। और इस वजह से आपको पता है इंडिया और कनाडा के दरमियान काफी जो है ताल्लुकात खराब भी रहे। एक तो ये एग्जाम्पल है। फिर यूएसए के अंदर एक सिख एक्टिविस्ट है, उसका मर्डर करने की कोशिश की गई लेकिन वो बच गया। अब ये सारी की सारी बातें आपको बताने के बाद अब जरूरत इस चीज की है इंटरनेशनल रिस्पॉन्स जो है वो इंडिया को दिया जाए कोऑर्डिनेशन के थ्रू। इस्लामाबाद को चाहिए कि वो अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ जो है वो क्या करे, कोऑर्डिनेट करे, ठीक है ना, और साथ में क्योंकि ये जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं जैसे यूएई वगैरह है वहां पर और दूसरे जो है वहां पर प्लान किए जा रहे हैं, तो जहां पर भी लगता है इंटेलिजेंस एजेंसीज को कि उनकी जमीन को इस्तेमाल किया जा रहा है, तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज उन एजेंसीज के साथ राबता करें और इस चीज के ऊपर क्या करें, कोऑपरेटिव होकर मिलकर जो है इंडिया को रिस्पॉन्स दें।
इंडिया की जो इन्वॉल्वमेंट है इन असैसिनेशन कंपेन्स वो क्या है, उससे पाकिस्तान के अंदर क्या नुकसान हो रहा है आपको, एक तो ये हो गया मर्डर, दूसरा जो बलूचिस्तान है पाकिस्तान का, आपको पता है वहां पर जो है सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रही हैं, तो इनको भी क्या, जैसे अक्सर मैं बताता हूँ कि रा जो है एक्टिव है, कुलभूषण यादव आपको याद होगा जो कि पकड़ा गया था यहाँ से, ठीक है, एक वो भी नेवी का ऑफिसर था वहां पर इंडिया में, तो ईरान के बॉर्डर पर, पाकिस्तान के बॉर्डर, ईरान से पाकिस्तान में वो आया, यहाँ पर उसको अरेस्ट कर लिया गया, और वो भी इस जैसी तहरीकों के अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये जो कंपेन है ये कहता है इस तरह की जो मर्डर किया जा रहा है इसको बंद कर देना चाहिए, अगर इंडिया इसको रिफ्यूज करता है तो पाकिस्तान के पास राइट्स हैं कि वो इस इश्यू को लेकर जो हाईएस्ट इंटरनेशनल फोरम्स हैं जैसे यूएन वगैरह है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वहां पर जाए और डिस्कस करे अपने मामले को। तो ये सारी चीजें जो है इस एडिटोरियल के अंदर डिस्कस की गई। अब हम आते हैं पेपर की तरफ। पेपर में देखें जी, आपका एक टॉपिक होता है टेररिज्म, ठीक है, दूसरा आपका एक टॉपिक अक्सर है पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस। तो इन दोनों चीजों के अंदर, पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस के अंदर, ये जो इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज एक्टिविटीज कर रही हैं, आपको ये हाईलाइट करने की जरूरत है, क्योंकि इसके बगैर आप लोगों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात पैदा नहीं हो सकते जब तक किस तरह के काम हो रहे हैं। तो टेररिज्म फैला रहा है इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी जो है, पाकिस्तान में किलिंग कर रही है, ठीक है, बलूचिस्तान के अंदर फंडिंग कर रही है, सी पैक को सिक्योरिटी को इश्यू है, कश्मीर का मसला सोल्व नहीं होने दे रही, ठीक हो गया, फॉरेन लैंड्स के ऊपर जैसे खालिस्तान की तहरीक है उसमें भी इन्होंने किलिंग की, और ये सारे का सारा हो इसलिए रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो वहां पर इंडिया में मौजूद है उसकी जो आइडियोलॉजी या हिंदुत्व, वो आइडियोलॉजी बेसिकली इंडिया एक सेकुलर कंट्री था, उसको वो सेकुलरिज्म से निकाल कर एक कम्युनल स्टेट बनाना चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, और वो क्या कर रहे हैं, एक हिंदुत्व की जो उनकी आइडियोलॉजी है, मैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर काफी दफा डिस्कस भी कर चुका हूं, तो उसको लेकर वो इस तरह की एक्टिविटीज जो है उसके अंदर इन्वॉल्व है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये इंटरलिंक करती हैं। अब पाकिस्तान में आप टेररिज्म की एक काज जो है वो ये भी बता सकते हैं कि फॉरेन एक्टर्स जो है वो पाकिस्तान के अंदर इन्वॉल्व है, जिसके अंदर आप रा की एग्जाम्पल दे सकते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज की एग्जाम्पल दे सकते हैं इंडिया की, और अभी जो मैंने आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए उसके साथ आप उसको सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा सी पैक की सिक्योरिटी के ऊपर आप हाई इकोनॉमी के ऊपर आप लिखते हैं तो पाकिस्तान की सी पैक जो है इकोनॉमी में अहम किरदार अदा करेगा, लेकिन सी पैक को सिक्योरिटी का मसला है, कहाँ से इशू है वो आप ये बता सकते हैं यहाँ से इशू, ठीक है। मसला कश्मीर के ऊपर आप बात करते हैं तो आप वहां पर भी कह सकते हैं कि जब तक इन दोनों मुल्कों के आपस में रिलेशन अच्छे नहीं होते इशू में कश्मीर का इशू सॉल्व नहीं हो सकता, और फिर इस तरह की टैक्टिक्स अगर इंडिया यूज करता है तो उसके बाद तो मसला कश्मीर कभी भी हल नहीं होगा, एंड डू नॉट वांट टू सॉल्व इट, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आप इन चीजों को इंटरलिंक करके जो है डिस्कस कर सकते हैं। सेकंड है सेकंड फेज। अब इसके अंदर पहले वही फर्स्ट स्टेप के ऊपर क्रक्स क्या है, क्रक्स ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस के ऊपर बात होगी, और ये आपका टॉपिक भी है पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर, पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस विद इट्स नेबर्स करंट अफेयर्स के अंदर, ठीक है। तो रिपैट्रिएशन होने जा रही है, सेकंड फेज शुरू है। अब रिपैट्रिएशन बेसिकली क्या होता है, इसका मतलब यही होता है कि किसी को वापस कर देना, वापस भेज देना सादा अल्फाज में। अब रिपैट्रिएशन इसके अंदर, इस एडिटोरियल के अंदर राइटर ये बताता है कि अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे अफगानी जो हैं वो कई सालों से रह रहे हैं, ठीक है, जो माइग्रेट करके आए थे, जो रिफ्यूजी थे, ठीक है। तो अब पाकिस्तान ने पहले फेज के अंदर पहले उनको वापस भेजा और अब दूसरा फेज शुरू हो चुका है। पहले फेज में और दूसरे फेज में ये डिफरेंस था कि पहले फेज के अंदर उन लोगों को भेजा गया जो बिल्कुल जिनके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं थे, उनको वापस भेज दिया गया। अब दूसरे फेज के अंदर उन अफगानियों को वापस भेजा जा रहा है जिनके पास डॉक्यूमेंट हैं, ठीक हो गया। अब क्यों भेजा जा रहा है, किस तरह, क्या वजह है, वो मैं अभी एडिटोरियल के अंदर आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो ये है इसका क्रक्स। कहते क्या है, कहते तकरीबन 4 मिलियन रिफ्यूजीज हैं पिछले 40 साल से पाकिस्तान में रह रहे हैं, ठीक है। आपको पता है 1979 में जब वहां पर इंडिया के अफगानिस्तान की और रशिया की जो थी एक वार थी,
तब भी लोकपाल वहां से छोड़कर यहाँ पर आए। फिर जब 9/11 होता है 2001 से पहले, जब तालिबान की गवर्नमेंट आती है तब भी आए। फिर 9/11 के बाद जब वहां पर जंग होती है फिर आए, तो पाकिस्तान यहाँ पर, पाकिस्तान में लोग अफगानिस्तान से मूव करके आ जाते रहे, आते रहे। पाकिस्तान उनको एज ए मुस्लिम ब्रदरहुड जो है वो जगह देता रहा। एंड व्हाट इज द चैलेंजेस राइट नाउ? नंबर वन, ये चैलेंजेस है कि पाकिस्तान को अब अपने रिसोर्सेज पाकिस्तान के पास इतने नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान को चीजें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, अपनी आबादी पाकिस्तान की बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर पा रहा कि पाकिस्तान बाहर से चीजें इंपोर्ट करके, जैसे वीट है या मुख्तलिफ चीजें हैं, तो वो इन लोगों के लिए वो करे। और दूसरा, पाकिस्तान की इकोनॉमी आपको पता है वैसे ही कर्जे के ऊपर चल रही है, हमारा ऊपर कर्जा IMF से हम लेते हैं और अपना मुल्क चलाते हैं, एक तो चीज। दूसरा है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में ये था कि जब ये रिपेट्रिएशन का अमल शुरू किया जाता है, उस वक्त ये पाकिस्तान के अंदर केयर टेकर गवर्नमेंट थी, और डेट टाइम ये होता है कि कई जो टेररिस्ट अटैक होते हैं पाकिस्तान के अंदर, सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर जो खुदकुश हमले खास तौर पर होते हैं, अगर 14 खुदकुश हमले हुए हैं तो उनके अंदर 11 वो लोग थे जो अफगानी थे। इस चीज को लेकर, सिक्योरिटी इश्यू को लेकर जो है ये रिपेट्रिएशन का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया। तो पहले जो में तो जो वो उनको भेजा, तो इसलिए वो कहता है अनडॉक्यूमेंटेड अफगान जो सिटीजन थे उनको वापस भेज देना कोई बुरी बात इसमें नहीं है। सेकेंड फेज जो है वो कहता है गर्मियों में शुरू होगा, इस गर्मियों में, और इसमें जो अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स हैं, वो वाले लोग जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, कार्ड हैं, लेकिन अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स हैं, उनको भी वापस भेज दिया जाएगा। दूसरी तरफ जो तालिबान रूलर्स हैं अफगानिस्तान के, वो पाकिस्तान को कह रहे हैं कि पाकिस्तान सिर्फ अकेला अकेला फैसला ना करे, बल्कि क्या करे, दूसरों के साथ हमारे साथ मिलकर कोऑपरेशन से इस मामले को हल करे। यूनिलेटरल यानी कि अकेला ही सारा कुछ कर लेना ये सही नहीं है, वो ये कह रहे हैं। तो कहता वो भी सही कह रहे हैं, इस तरह के जो प्रोसेस होते हैं इनको मैनेज करना पड़ता है, डायलॉग करने चाहिए, और उसके बाद जो है इंटरनेशनल नॉर्म्स का ख्याल रखते हुए उसके बाद रिपेट्रिएशन की जाए। पहले में तो ये था कि बस इन्होंने 1 महीने की डेडलाइन दे दी कि आप लोग जो है, आई थिंक सो 30 नवंबर तक जो है आप लोग वापस चले जाएं, ये 1 नवंबर तक था, ठीक है, 2023 तक, तो आप लोग वापस चले जाएं वरना आप लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो अब उस वक्त तो जल्दी जल्दी में ये काम किया, और उस वक्त भी हमने कई एडिटोरियल्स भी डिस्कस किए, ओपिनियंस भी डिस्कस किए, जिसके अंदर ये भी बताया जा रहा था कि बेसिकली ये तालिबान को प्रेशराइज करने के लिए किया जा रहा है। बहरहाल वक्त गुजर गया, लोग चले गए, और अब जो तालिबान की गवर्नमेंट है वो यही कह रही है कि आप अकेला फैसला ना करें, हमें भी इस फैसले के अंदर शामिल करें ताकि हम डायलॉग करें और उसके बाद इस मामले को हल किया जाए। अब इसके अंदर वो कहता है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको भी चाहिए कि वो अपनी कमिटमेंट्स को क्या करे, पूरा करे। अब यहाँ पर इंटरनेशनल कम्युनिटी से उसका मुराद ये है कि US जब अफगानिस्तान में मौजूद था तालिबान की गवर्नमेंट आने से पहले, तो वहां पर कुछ अफगानी ऐसे थे जो यूनाइटेड स्टेट की जो नेटो फोर्सेस हैं उनकी क्या करते थे, मदद करते थे, उनके साथ मिलकर काम करते थे। तो जब तालिबान की गवर्नमेंट आई तो आपने देखा एक जो एयरपोर्ट के ऊपर जहाज है वहां पर बहुत से अफगानी सिविलियंस ये चाह रहे थे कि हम इस जहाज पर बैठकर क्या करें, इनके साथ अमेरिका चले जाएं या पाकिस्तान अफगानिस्तान से बाहर चले जाएं। उसकी रीजन ये थी कि ये जो अफगानी अमेरिकन की मदद कर रहे थे, नेटो फोर्सेस की मदद कर रहे थे उस 9/11 के बाद जो जंग का ये अरसा है उसके दौरान, उनको ये पता था कि जब तालिबान की गवर्नमेंट आ गई है तो हमारा डाटा जो है वो डिवाइसेस के अंदर सेव है, और हमें वो अकेले अकेले को पकड़ पकड़ कर मारेंगे, कत्ल करेंगे हमारा, तो लिहाजा वो चाह रहे थे कि हम अफगानिस्तान छोड़कर चले जाए। लेकिन उस वक्त सबको तो वो एयरपोर्ट से ना लेकर जा सके, तो पाकिस्तान के साथ ये कमिटमेंट की गई कि आप लोग इन लोगों को क्या करें, यहाँ पर जगह दें बॉर्डर के पास, इनको रहने दें, हम इनको बाद में जो है वापस ले जाएंगे। तो जब अभी तक उन्होंने अपना ये जो वापस ले जाने से मुराद ये है कि हम इन लोगों को यूरोप वगैरह की जो कंट्रीज हैं वहां पर एडजस्ट कर देंगे, लेकिन फैसला पूरा अपना जो उन्होंने वादा था उसको पूरा ना किया। जब पाकिस्तान ने फर्स्ट फेज ऑफ रिपेट्रिएशन शुरू किया उसमें फिर तकरीबन 400 के करीब जो लोग थे उनको लंदन, यहाँ से बाय एयर लंदन लेकर गया लेकर जाया गया, ठीक है।
यही वो कह रहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जैसे यूएसए वगैरह जो चाहिए कि अपना वादा जो है वो अफगानियों के साथ उन्होंने किया था उसको पूरा करें। अब पाकिस्तान के बारे में वो ये कहता है कि हमने बहुत ज्यादा जो है जनरोसिटी दिखाई है टूवर्ड्स रेफ्यूजीज, लेकिन अब जो है केयरफुल तरीके के साथ एक प्लानिंग के साथ इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ जो है अफगानी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उसके साथ कोऑर्डिनेट करके हमको चाहिए कि हम उनको वापस भेजें। ये ना करें कि इतने सालों की जो मेहनत है अब उनको धक्का लगा के अब फेंक दें वहां पर तो वो हमारी जाया हो जाए, तो हमने इतने सालों जो है उनकी मेहमान नवाजी की है तो अब हमको चाहिए कि हम जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है उसके साथ मिलकर बैठकर बात करके और एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ इन लोगों को वापस भेजें। अब जो यूनाइटेड नेशंस UNHCR इसके बारे में भी वो ये कहता है कि उसको भी कहिए, क्योंकि इसका काम यही है कि वो भी क्या करे इसके अंदर अपना किरदार जो है वो अदा करे। और ये अब है क्या, यूनाइटेड नेशंस रेफ्यूजी फॉर एजेंसी है और यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी, ये एक एजेंसी है बेसिकली यूनाइटेड नेशंस की और इसका काम ही यही है, ठीक है ना, कि प्रोटेक्ट करना रेफ्यूजी को, फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज को, स्टेटलेस पीपल्स को, और असिस्ट करना वॉलंटियर रेपेट्रिएशन को, ठीक हो गया, यही काम है इनका। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, बस ये आप लोग याद कर लें, दैट्स इनफ, ठीक है ना। ज्यादातर एमसीक्यूज में जो है अगर पूछा जाएगा तो हेडक्वार्टर पूछा जाएगा या कब इसको बनाया गया ये चीज पूछ लेते हैं, बाकी वो चीजें बहुत कम पूछते हैं, ठीक हो गया जी। तो इसको भी कहते हैं कि इसको भी चाहिए अपना जो रोल है उसके अंदर अदा करें। ये था इस एडिटोरियल के अंदर, कहना क्या चाहे अब हम पेपर में लेकर जाएं। देखें पेपर पर्सपेक्टिव में हमारा टॉपिक है पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशंस, पाकिस्तान रिलेशंस विद इट्स नेबर्स, तो वो हमारा टॉपिक है। तो उसमें जो करंट सिनेरियो चल रहा है वो चल रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो हमारे रिलेशंस हैं वो है एक तो रिपेट्रिएशन फेज टू, दूसरा सिक्योरिटी टेररिज्म तहरीक तालिबान पाकिस्तान ड्यूरेंट लाइन इकोनॉमी, ये चीजें जो है ये हमारे कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनके ऊपर हमें जो है ना पता होना चाहिए कि क्या प्रोसेस चल रहा है करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव। तो पहला तो ये है कि पाकिस्तान रिपेट्रिएशन कर रहा है, अफगानियों को वापस भेज रहा है। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम ये है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान वाले पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म की जो एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हैं, और अब पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान से बेशुमार मरतबा मैनी टाइम्स ये कह चुका है कि आप तहरीके तालिबान पाकिस्तान को अपनी जमीन जो है पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना करने दें, लेकिन इसके बावजूद जो है अफगानिस्तान जो है कोई खास वो जो एक्शनेबल काम नहीं कर रहा, कोई कंक्रीट स्टेप नहीं ले रहा। तो ये जो एक वेव ऑफ टेररिज्म जो है ये भी इसी वजह से है। ड्यूरेंट लाइन को जो है तालिबान जो है गवर्नमेंट है और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट वो अभी तक उसको एज ए इंटरनेशनल बॉर्डर रिकॉग्नाइज ही नहीं करती, वो कहती है कि ये बस एक ये हम इसको नहीं मानते, ये गलत बनाया गया, ठीक हो गया। इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में अगर लिखा जाए तो आपको पता है कि अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, तो पाकिस्तान में अफगानिस्तान में जो भी ट्रेड होती है वो थ्रू पाकिस्तान की जाती है, तो स्मगलिंग होगी, इस तरह की एक्टिविटीज होगी, अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी पाकिस्तान की होगी, तो उसकी वजह से पाकिस्तान को काफी इकोनॉमी के अंदर भी लॉस हो रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है जब आप ये डिस्कस करें पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशंस तो उसके अंदर आप ये चीजें डिस्कस कर सकते। नेक्स्ट है जी जीई आउटब्रेक। अब जीई एक बीमारी का नाम है, जब इसका नाम आता तो मैं भी आपको बताता। अब इस पूरे के पूरे जो एडिटोरियल है हमारा लास्ट वन, इसके अंदर राइटर क्या कहता है, इसका क्रक्स ये है, ये हेल्थ को कवर करता है। कराची के अंदर एक आउटब्रेक हुआ है किसका, गैस्ट्रो एंट्राइटिस इसका आउटब्रेक होता है, ठीक है। ये एक बीमारी है, पहले ये देख लें ये क्या है, फिर इस बीमारी ने क्या किया है, फिर उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले ये बीमारी है क्या, कराची के अंदर क्या होता है, काफी केसेस जो हैं वो दर्ज होते हैं। ये है आपका स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन, एवरीडे साइंस में आपको पढ़ा होगा सब कुछ आपने। इस बीमारी के अंदर क्या होता है कि वायरस वगैरह की वजह से आपका जो मेदा है, ठीक है, आपका ये वाला जो अभी मैंने बताया स्टमक वगैरह है और आपकी लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह है, ये क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है और आपको बहुत ज्यादा पेन होती है। सो दैट इज द मेन यू कैन से इस बीमारी की वजह से जो होता है। अब ये इसकी पूरी है, इसको आप रोक के पढ़ सकते हैं, सिम्टम्स क्या हैं और ये क्या है वो क्या है। तो इसमें बेसिक जो मेन चीज है
वो यही है कि आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है और आपका जो स्टमक है वो स्वेल हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से फिर आपका जो है इसको क्या कहते हैं, इस सिस्टम को डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता और आपको काफी पेन का सामना करना पड़ता है। तो ये बीमारी जो है इस वक्त क्या है, कराची के अंदर जो है इसका आउटब्रेक हुआ है, फैली है। तो इसके ऊपर राइटर जो है वो लिख रहा है, कहता है कराची के अंदर वैसे तो क्राइम रेट तो बहुत ज्यादा है, बढ़ चुका है, लेकिन इसके साथ साथ एक वाटर बोर्न डिजीज जो पानी की वजह से पैदा हुई है वो भी आ गई है। रुद्रपुर सिविल हॉस्पिटल के अंदर 1500 के करीब न्यू केसेस आते हैं एक सिंगल दिन के अंदर इसी गैस्ट्रो एंट्राइटिस के, ठीक है, और इसमें 1500 के करीब एक दिन में केसेस आते हैं। तो अब ये बीमारी है क्या, वाटर से पैदा होती है, गंदा पानी पीने से ये बीमारी जो है ये पैदा होती है। वो कहते हैं लोग जो हैं, पहली बात तो है कि वहां पर लोगों को गैस लोगों के घरों में आ ही नहीं रही कि लोग क्या करें, पानी को बॉयल करके साफ करके पी रहे। अगर आ भी रही है कुछ घरों के अंदर तो लोग जो है वो गैस का इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि आपको पता है गैस के जो कीमतें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई हैं, इसलिए लोग जो है पानी बॉयल नहीं कर रहे, ऐसे ही पी रहे हैं। वैसे सोल्यूशन ये है कि आप लोग पानी को बॉयल कर लें, डोमेस्टिक फिल्ट्रेशन मेथड है उससे आप फिल्टर कर लें, या फिर जो पानी जो वो बोतल्स के अंदर आपको मिलता है उसको लेकर आप साफ पानी जो है वो इस्तेमाल करें। हर बंदा वैसे बोतल वाला पानी जो है अफोर्ड नहीं कर पाता। तो कहता है कि लेकिन नहीं किया तो इस वजह से लोगों को जो है गंदा पानी पीने की वजह से ये बीमारियां लग गई। तो कहता है जिस तरह कोविड में ये हुआ था ना कि COVID-19 एक ऐसी बीमारी थी, एक ऐसा वायरस था जो एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो जाता था। तो कहते हैं कि ये वाले जो बीमारी है ये भी ऐसी है। तो लिहाजा वो लोग जो क्लीन वाटर जो है अफोर्ड कर सकते हैं उनको भी क्या है ये बीमारी लग सकती है। तो लिहाजा गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जितना जल्दी हो सके इस आउटब्रेक को क्या करे, कंट्रोल कर रहे, वरना ये जो है वो ज्यादा एरिया तक फैलने का खदशा है पाकिस्तान में। सो दैट इज ऑल व्हिच ही डिस्कस इन दिस एडिटोरियल। कराची की उसने बात की, क्राइम आपको पता है कराची के अंदर जो है काफी हाई है। हेल्थ को लेकर उसने गैस्ट्रो एंट्राइटिस की बात की, कहता ये फैल चुका है कोविड की तरह, कहता ये भी एक बंदे से दूसरे बंदे को शिफ्ट होता है। गैस प्राइसेस जो है आपने देखा बढ़ी, लोगों ने पानी बॉयल करना छोड़ दिया तो उससे ये बीमारी पैदा होगी। कराची के अंदर वैसे भी आपको पता है वाटर माफिया है। तो ये सारी की सारी चीजें हमने इसमें डिस्कस की। अब देखें जो बात सोचने वाली है वो ये है, देखें गैस की कीमत बढ़ने से बीमारियां आ गई, कैसी बात है कि गैस की प्राइस बढ़ी, लोगों ने पानी बॉयल करना छोड़ दिया, जब लोगों ने पानी बॉयल करना छोड़ दिया तो कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से, गंदे पानी की वजह से लोगों में ये बीमारियां पैदा होना शुरू होगी। अब आप एक तरफ देखें गैस की प्राइस आपने बढ़ा दी, दूसरी तरफ आप लोग अगर गवर्नमेंट सर्फ हॉस्पिटल में लोग जाते हैं, पब्लिक हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां पर गवर्नमेंट देती है मेडिसिन, यहां से आप लोगों ने प्राइस बढ़ा दी और लोगों ने पानी बॉयल करना छोड़ दिया, फिर यही लोग अब यहां पर जाएंगे और गवर्नमेंट से क्या करेंगे, मेडिसिन लेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंसेस हैं मेडिसिन के वो बढ़ जाएंगे, तो गवर्नमेंट को क्या फायदा हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। तो बेहतर था गवर्नमेंट इसकी प्राइसेस ही ना बढ़ाती, लेकिन गवर्नमेंट ने बढ़ाई, वो फिर उसके अंदर पूरी की एक अलहदा सी स्टोरी है कि क्यों बढ़ाई, किस तरह से बढ़ाई, क्यों इस चीज के ऊपर फोकस नहीं किया जाता। बहरहाल यू कैन कनेक्ट, यू कैन एक्सप्लेन वेल, एक चीज को दूसरी चीज से लिंक आप लोगों ने करना सीखना है, और यही चीज जो है जब आपको आ जाएगी तो पेपर के अंदर एसे का पेपर आपके लिए सबसे ज्यादा आसान हो जाएगा। आप आराम से जो स्टेटमेंट को मल्टी डिमेंशनल चीजों के साथ जो है लिंक कर सकेंगे, लेकिन लिंक भी कर सकेंगे इन लेक्चर्स के बाद, इंशाल्लाह आपकी इतनी कैपेसिटी डेवलप हो जाएगी। बट एक चीज फिर आप लोग मिस कर जाते हैं, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होती। जब आपकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगी, आप अच्छी ग्रामर से ग्रामर के रूल्स को फॉलो नहीं कर पाएंगे, आप लोग जो आपके जहन में है उसको पेपर पे शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, तो फिर भी आप फेल हो जाएंगे। लिहाजा दो चीजों का होना जरूरी है ऐसे पास करने के लिए, क्लैरिटी ऑफ आइडियाज एंड सेकेंडली एक अच्छी राइटिंग स्किल आपके पास होनी चाहिए। तो ये था जी आज का आपका जो टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल का एनालिसिस, एंड बाकी इंशाल्लाह जिंदगी रही। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ
हाजिर होंगे, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। और रमज़ान बस जाने वाला है, थोड़े से दिन हैं, जितना बेनिफिट्स ले सकते हैं लें। एंड थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।